क्रिटिसिज्म तो काफ़ी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो आई एक तो चीज़ कह सकता हूँ कि नोबडी विल बी डिसअपॉइंटेड फिल्म देख, इतना जानता हूँ अभी, और यही बोलता हूँ मैं ऑडियंस को कि तुम एक्सपेक्टेशन लेके आओ, ऐसे भी नहीं बोलता हूँ कि कम एक्सपेक्टेशन लेके लेके आओ, तुम्हें अच्छी लगेगी। नहीं नहीं, इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर बताने जाऊँगा तो आई विल गिव अवे द फिल्म। तो इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, कैसे एक रिलेशनशिप बदलते बदलते एक अलग लेवल पे जाते, हाउ लव मैटर्स, लव यानी जो मैन वुमन लव के बियॉन्ड भी एक लव है विच मैटर्स। ऐसे कुछ नहीं है, ये जनरेशन भी अभी होशियार है, हर विद टाइम डेफिनेट थिंग विल चेंज, बट ऐसे नहीं, लव तो लव है। नथिंग, फिल्म भी देखो ना। ये मूवी पहले फ्रेम से ही दिल पे छा गई है, पांगरुन इट्स सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिल्म, मतलब ये ऐसे नहीं कि अभी वो लेके जा रही है, मतलब आई एम विद द फिल्म, विद द स्टोरी, विद द कैरेक्टर, तो कमाल की फिल्म बनाई है महेश ने पांगरुन। पांगरुन का हम लोग मराठी में जो हम ओढ़ लेते हैं ना सोते वक्त, जो क्या कहते हैं गोदड़ी या जो भी हो, उसे पांगरुन कहते हैं। तो दैट विच covers you, that which protects you, that which keeps you warm and cozy, safe, वैसे वो पांगरू। तो ये this for me ऐसे लगा कि एक ईतर की छोटी सी पुरानी कबर्ड में किए होती है ना, छोटी सी बोतल जैसे खुलते ही तो कहाँ से खुशबू आए, वो जो खुशबू होती है मंद ब्यूटिफुल, वैसे लगती है मुझे फिल्म, ब्यूटिफुल फिल्म। स्टोरी, स्टोरी एक तो पहले बाबा बोरकर जो हमारे मराठी के बहुत ही जाने माने मतलब ग्रेट साहित्यिकों में से हैं, उनकी कथा है जिसके ऊपर महेश इंस्पायर होके महेश ने ये फिल्म बनाई है। और स्टोरी का क्या कहा तुमके, क्या ये नहीं, ये फॉर मी दिस इज एक कहते हैं ना, इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी ऑफ इनोसेंट पीपल कॉट इन अ सिचुएशन जहाँ पर मतलब हर एक की जिंदगी में एक पैथॉस है, एक कारुण्य कहते हैं मराठी में हम लोग, पैथॉस का एक अंडरलाइन करंट है इसमें, बहुत ही खूबसूरत ऐसे वेरी सॉफ्ट अनफोल्ड होने वाली लव स्टोरी है बिल्कुल, जिसमें सभी के सभी निष्पाप कहते हैं ना, इनोसेंट है, ऑल कॉट अप इन अ सिचुएशन। ये तो हमको लगता है कि फटाक से होती है, अब आजकल के बच्चों के जनरेशन के स्पीड के हिसाब से वो फटाक से नहीं है, हमारे लिए फटाक से है ना। सो आई थिंक इट्स फाइन, एवरी जनरेशन हैज देयर ओन स्पीड ऑफ फॉलिंग इन लव, यू नो लविंग समबडी, अलग अलग स्टाइल्स हैं, हमारे ज़माने का और भी, हमारे पिताजी के ज़माने का और भी स्टाइल अलग। तो आई विल नेवर बी जजमेंटल इन दिस, लव इज़ लव, एक वो तो कॉमन फैक्टर है, तो बस और क्या चाहिए फिर। एवरी वन हर एक को, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मराठी ऑडियंस को ही, जितना भी बड़ा ऑडियंस है ना, उस ऑडियंस के सामने ये फिल्म जानी चाहिए, नॉट ओनली फॉर इट्स सिनेमैटिक वैल्यू, इट इज अमेजिंग फोटोग्राफी से लेके ये, लेकिन परफॉर्मेंसेज देखो, ये ऐसी कथाएँ आजकल नहीं बनती, ऐसी फिल्में नहीं बनती, लेट इज बी ऑनेस्ट। तो ये फिल्म अगेन इट मेक्स यू फील सो नाइस एंड प्राउड ऑफ बिलोंगिंग टू सिनेमा, इंडियन सिनेमा।
celebration. Celebration. Time.